मनीषा रानी बिग बॉस ओटीटी 2 के बाद स्टार बन गई हैं। एंटरटेनमेंट क्वीन ने अपने मजाक मस्ती और गेम से लाखों दिलों को जीता। बिग बॉस से निकलने के बाद मनीषा की किस्मत भी चमक गई है। मनीषा के आगामी म्यूजिक वीडियो की पहली झलक सामने आई है, जिसमें वो टोनी कक्कर के साथ रोमांस करती दिख रही हैं। टोनी कक्कर और मनीषा रानी को बिग बॉस के कॉन्सर्ट में जब से रोमांस करते देखा गया, तब से फैंस उनके दीवाने हो गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके नाम का हैशटैग टोनीशा भी बन गया है। शो में ही टोनी ने खुलासा किया था कि वो मनीषा के साथ एक म्यूजिक वीडियो करेंगे और अब आखिरकार जल्द ही उनका म्यूजिक वीडियो आने वाला है। टोनी और मनीषा ने सोशल मीडिया पर इसकी झलक दिखाई है। टोनी कक्कर और मनीषा रानी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने अपकमिंग म्यूजिक वीडियो का एक क्लिप शेयर किया है। वीडियो में टोनी और मनीषा को अलग अलग पोज में मिरर सेल्फी लेते हुए देखा जा सकता है। कहीं दोनों एक दूसरे को प्यार से निहार रहे हैं, तो कहीं वह एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मनीषा और टोनी की केमिस्ट्री लाजवाब है। वीडियो के बैकग्राउंड में टोनी ने अपने अपकमिंग म्यूजिक वीडियो तू दुनिया मेरी लगाया है। दोनों की केमिस्ट्री के साथ गाना जच रहा है। टोनी कक्कर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, टोनी शायद जल्द ही आ रहा है। मनीषा और टोनी का ये रोमांटिक वीडियो देख नेहा कक्कर भी कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने लिखा है, और टोनीशा, नेहा ही नहीं उनके टोनीशा फैंस भी दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स को अपने प्यार से भर रहे हैं। अब तक इस पोस्ट को 1 मिलियन से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। फैंस उनके म्यूजिक वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेहा कक्कर और इंडियन आइडल का काफी पुराना नाता रहा है। इसी शो ने नेहा को स्टार बनाया और आज वो इसके कई सीजन जज कर चुकी हैं। इंडियन आइडल सीजन 13 में नेहा नजर आई थी, मगर वो बीच में ही शो छोड़कर गायब हो गई थी। वहीं अब इंडियन आइडल 14 से नेहा कक्कर को मेकर्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नेहा से उनकी जज की कुर्सी छीन ली गई है। नेहा के फैंस को ये बात रास नहीं आ रही। नेहा कक्कर की जगह शो में श्रेया घोषाल को जज के रूप में लिया गया है। आपको बता दें, नेहा कक्कर से शो में रौनक बनी रहती थी। उनकी मौजूदगी की वजह से शो को अच्छी खासी रेटिंग जरूर मिलती थी। नेहा के ड्रामे को लोग भी खूब पसंद करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे मियो वुल्फ को। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।